आएगा क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर दिया। हेलो, तो उसकी समझ में आ गया तो हमारी समझ में नहीं आ सकता क्या? तो पावर है सर नेटवर्क में। और मैं एक चीज बताऊं सर, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के नेटवर्क बनाया है और आरसीएम में क्या करना है, फ्री में नेटवर्क बनाना है। हेलो, और जो पावर मुकेश अंबानी के पास है ना, जो मुकेश अंबानी का जो नेटवर्क है, जो बाबा रामदेव का नेटवर्क है, जो डोमिनोज का नेटवर्क है, उससे ज्यादा पावर, उससे ज्यादा ताकत एक आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर है। क्योंकि जियो का एक कस्टमर आगे किसी को कस्टमर नहीं बना सकता, लेकिन आरसीएम का एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी डाउनलाइन में जुड़ के आगे हजार लोगों को जोड़ेगा, उन हजार लोगों का बेनिफिट आपको आएगा। वो पावर आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। नेटवर्क में क्या पावर होती है, एक वीडियो मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वीडियो को। लाइट बंद हो चुका है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस वीडियो को कि नेटवर्क में पावर क्या होती है। इसकी वॉल्यूम खोलना सर, ये जो आप देखते होंगे ना, एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए आदमी बहुत सारा प्रयास करता है, स्ट्रगल संघर्ष करता है, वो एक एक आदमी क्या कर सकता है इस बिजनेस में। एक बार एक कवि हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, इस तरह वो रखते गए। जब दसवें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। बीसवें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख,
चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आना चाहिए। नेटवर्क है ना, नेटवर्क ये कमाल कर सकता है। एक छोटे से चावल से पूरा राजपाट वो ले गया, तो हमारे पास तो बहुत है। और ये नेटवर्क बनेगा कैसे, मैं इसके ऊपर आता हूँ सर, कि नेटवर्क बनेगा कैसे, बनाना चाहते हैं? Yes! नेटवर्क एक ऐसी चीज है, एक बार आपने बना दिया ना, उसके बाद आप कुछ भी करो पैसा आएगा। जिंदगी में इसमें दुनिया में रहो तो भी आएगा, दुनिया से चले जाएंगे तो भी आएगा। और ये बनेगा कैसे, ये दो छोटी छोटी चीजों से बनता है नेटवर्क। जितने भी लोग आज इस चीज को समझ जाएंगे, जितने भी लोग आज के 10 साल बाद समझेंगे, उनका नेटवर्क बन जाएगा। ये बनता है प्लान शो करने से और प्लान शोवर तैयार करने से, ये दो काम करने से नेटवर्क बनता है। और एक बार नेटवर्क बन गया, उससे पैसा जीवन भर जन्मों जन्मों पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। आप नौकरी कर रहे हो, कर रहे हो 12 घंटे नौकरी करते रहो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे किसको करना है और कितने साल करना है सर? 3 साल से ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है। फिर मन करे करना, मन करे ना करना। और क्या करना है इन 3 सालों में, डेली एक नियम बनाना अगले 3 साल तक, 30 में से 30 दिन डेली 2 लोगों को आरसीएम का क्या दिखाना है। देखिए, अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए लगा के नेटवर्क बनाते हैं, उन्हें फ्री में बना सकते हैं, वैसा नेटवर्क बना सकते हैं जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। जियो का नेटवर्क, जियो का बिजनेस कम हो सकता है। आज एयरटेल को अच्छा प्लान लॉन्च कर दे, लोग जियो को छोड़ के एयरटेल में चले जाएंगे, हेलो। yes. लेकिन आरसीएम का नेटवर्क है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। कल कोई दूसरी कंपनी आएगी, अपने पैसे को छोड़ के दूसरी कंपनी में थोड़ी जाएगा। तो कैसे, डेली 2 लोगों को अगर आपने प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिंदगी के 2 घंटे अगले 3 साल तक आरसीएम के नाम कर दिए, 2 प्लान रोज, 30 दिन में कितने प्लान हो गए? अब शुरू में क्या होगा, शुरू में 10 लोगों से बात करोगे, हो सकता है 10 के 10 मना कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि आरसीएम खराब है, सिस्टम खराब है, लोग ज्वाइन नहीं होते। हमारे को बताना नहीं आता, पहली बार साइकिल पर जब चढ़ते हैं तो क्या होता है, गिरते हैं। यस और नो? इसका मतलब ये नहीं है कि साइकिल खराब है या हम खराब है, हमें चलाना नहीं आता। फिर बार बार प्रयास करते, बार बार प्रयास करते, जब साइकिल चलाना आता, फिर लोग कुछ ऐसे ट्रेंड हो जाते हैं, कुछ लोग आंख बंद करके हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं, वही व्यक्ति जो गिरा था। तो शुरू के 10 लोगों को दिखाओगे, हो सकता 10 के 10 मना कर दे, फिर 10 को दिखाओगे, हो सकता 1 यस करे, फिर 10 को दिखाओगे, हो सकता 2 यस करें। और लगातार 30 दिन 2 लोगों को रोज प्लान दिखाओगे, 60 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो आने वाले समय में क्या होगा, 10 में से 5, 10 में से 6, 10 में से 7, ये रेशो बढ़ता जाएगा करत करत अभ्यास के। और एक समय ऐसा आ जाएगा 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 10 के 10 इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे। और ऐसा स्थिति आ जाएगी, 10 को प्लान दिखाओगे, 12 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो। यस। नेटवर्क, आप 3 साल तक ये काम करना अपने रेगुलर, 3 साल तक, एक दिन करने से नहीं होगा, 10 दिन करने से नहीं होगा। एक आदमी बहुत मोटा है और एक दिन कम खाना खाता है या मॉर्निंग वॉक कर लेता है, क्या एक दिन की मॉर्निंग वॉक उसको पतला कर देगी? नो। एक आदमी बहुत पतला है, एक दिन ज्यादा खाना खा लेता है, क्या मोटा हो जाएगा? नो। डेली 60 प्लान। फिर दूसरा काम करना प्लान शोवर ध्यान, अपनी टीम में आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने प्रयास करो, 10 ऐसे लोगों को तैयार करना जो आपकी तरह डेली 2 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाते हो। बस ये काम है नेटवर्क, इन 2 कामों से नेटवर्क बन जाएगा। कितने लोग, 10 ऐसे लोगों को तैयार करना है जो आपकी तरह 2 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाते हो। जब 10 ऐसे लोग आपके तैयार हो जाएंगे तो आपकी टीम में डेली 20 प्लान होंगे। 10 लोग जो 2 प्लान दिखाएंगे, आपकी टीम में डेली 20 प्लान होंगे, महीने में 600 प्लान होंगे। और थोड़ा सा सोच के देखो नेटवर्क कैसा बनेगा आपका। अब ये 10 लोग जरूरी नहीं कि सारे के सारे हिसार से हों, हो सकता 2 लोग हिसार से हों, एक आदमी हांसी से हो, एक आदमी रोहतक से हो, 2 आदमी दिल्ली से हो, एक आदमी जींद से हो, 2 आदमी चंडीगढ़ से हो, ऐसे भी हो सकता है। अब क्या होगा, हिसार वाले हिसार में दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ वाला चंडीगढ़ में दिखा रहा है, रोहतक वाला रोहतक में दिखा रहा है, दिल्ली वाला दिल्ली में दिखा रहा है, तो आपका बिजनेस कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली भी हो रहा है, रोहतक भी हो रहा है, चंडीगढ़ भी हो रहा है, हिसार भी हो रहा है, हर जगह नेटवर्क बनने लग रहा है। यस और नो? यस। और आप सोच के देखो, जब 600 लोग आपकी टीम में हर महीने प्लान देखेंगे, किसी के 10 में से 8 ज्वाइन होंगे, किसी के 10 में से 6 ज्वाइन होंगे, किसी के 10 में से 2 ज्वाइन होंगे, 30% की भी एवरेज आई, 30% लोग भी अगर जुड़े तो लगभग 200 लोग जुड़ जाएंगे।
200 लोगों का नेटवर्क हर महीने आपकी टीम में बनेगा और नियम बना लो 1000 बिजनेस वॉल्यूम से कम किसी को ज्वाइन नहीं करवाना। अब 200 लोग हर महीने टीम में आएंगे और उसमें से 1000 बिजनेस वॉल्यूम तो 200000 का बिजनेस हो गया आपका। हेलो yes. और हर महीने इस तरह एक लोग ऐड होते जाएंगे तो बिजनेस हर महीने बढ़ता जाएगा। और मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, अगर ये एक छोटा सा काम आपने अपनी जिंदगी में शुरू कर दिया, आपने जिंदगी के 3 साल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को दे दिए ना, ये 3 साल 2 लोगों को प्लान जरूर दिखाना है। हजारों करोड़ों लगा के लोग नेटवर्क बनाते हैं, उन्हें फ्री में बनाना है, हमने 2 लोगों को प्लान दिखा के इस नेटवर्क को तैयार करना है। कर सकते हैं yes! पहली सीढ़ी है ये दोस्त। अब सोच के देखो, आपके नीचे 50,000 लोगों का नेटवर्क है, आने वाले 3 साल बाद आपके नीचे 50,000 लोगों का नेटवर्क है और 50,000 लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आपके घर में 3 लाख रुपए महीना इनकम आ रही है। भगवान ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए, आप उस दुनिया में ना रहो, क्या वो 50,000 लोग कपड़े पहनना छोड़ देंगे, चाय पीना छोड़ देंगे, साबुन से नहाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो आपकी इनकम आना बंद हो सकती है क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने 50,000 लोगों का नेटवर्क बढ़ा दिया। और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है, इतनी संभावना है इस बिजनेस की, इतनी संभावना अभी जो हो सकता है हिंदुस्तान में उसका 0.1% भी नहीं हुआ। जो सिस्टम हमारे पास है ना, जो कंपनी हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, दुनिया में ना तो कोई ऐसा सिस्टम है, ना कोई ऐसी कंपनी है, ना ऐसे प्रोडक्ट है। एकमात्र आरसीएम ऐसा बिजनेस है जिसको हर आदमी कर सकता है। ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि आप नियम बना लो अगले 3 साल तक, अपनी जिंदगी के 3 साल डेली 2 लोगों को आरसीएम का प्लान ज्वाइन नहीं करवाना। ज्वाइन करवाना आपका काम नहीं है, ज्वाइन करवाना किसका काम है? वो हमारी अपलाइन है ना, जो उसका काम है, उसको देखना है किसको ज्वाइन करवाना है, किसको ज्वाइन। जिसको देना होगा उसकी समझ में आ जाएगा, जिसको उसने कुछ नहीं देना होगा उसकी समझ में नहीं आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपका काम क्या है? प्लान दिखाना। कौन यस करे, कौन नो करे, उसके ऊपर छोड़ दो। उसके ऊपर विश्वास है yes. बस उस पर छोड़ दो। हेलो yes. आप प्लान दिखाते जाओ, कोई ना कोई ऐसा धुरंधर मिलेगा आपको प्लान दिखाते दिखाते, जो आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। कभी ना कभी मिलेगा, किसी न किसी के थ्रू मिलेगा। मैं बताता हूं सर, मेरी टीम में देखिए, प्लान दिखाने की आदत होगी ना तो कमाल हो जाएगा आपकी जिंदगी में। मेरी टीम में एक फौजी था और उसने इस पावर को समझा था कि प्लान दिखाना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए। फौज में सिलीगुड़ी पोस्टिंग थी, सिलीगुड़ी से वापस आ रहा था जींद, रस्ते में टीटी टिकट चेक करने आया, टीटी से बात करना शुरू कर दिया कि टीटी साहब केवल नौकरी करते हो कुछ और भी करते हो? उन्होंने कहा मैं नौकरी करता हूँ। बोले मैं फौजी हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ लेकिन साथ में एक बिजनेस भी करता हूँ। देखिए बात कैसे शुरू की उसने, कि मैं भी नौकरी करता हूँ लेकिन साथ में एक बिजनेस भी करता हूँ। तो टीटी ने पूछा कौन सा बिजनेस करते हो? तो उसने जो दोनों सीटों के बीच में जो ट्रे होती है, जो स्टैंड होता है, जो ट्रेन की सीटों के बीच में जहाँ पे खाना वाना रख के खाते हैं, उस पे एक मार्कर निकाल के उस पे प्लान दिखा दिया। टीटी की समझ में आ गया, टीटी ने ज्वाइन कर लिया। ट्रेन में 1280 निकाल के दे दिए कि मेरे को आते समय किट ले आना और मेरे को ज्वाइन करवा दो। फोन नंबर ले लिया उस फौजी का, फोन किया कि एक किट मत लाना, 5 ले आना, 4 लोगों को और मैंने तैयार कर लिया। टीटी 5 किट लेके चला गया, तो फौजी 1.5 महीने की छुट्टी काट के 5 किट लेके चला गया। वो स्टेशन पे मिले, 6 घंटे उसके साथ काम किया, 5 लोगों को और ज्वाइन करवा दिया, टोटल 10 ज्वाइनिंग होगी। हमने जाना शुरू किया, आज वो टीटी इस बिजनेस का स्टार सफायर है। 20 करोड़ का बिजनेस, 20 करोड़ का बिजनेस हर महीने टीटी के नीचे आता है। 100 करोड़ का आदमी है, 100 करोड़ का अरबपति में उसका भी नाम है जो टीटी टिकट चेक करता था। हेलो अवधेश कुमार सिंह, स्टार सफायर ऑफ आरसीएम। तो मैं कहने का मतलब, पता नहीं कौन धुरंधर मिल जाए आपको। मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल को प्लान दिखाने गया, स्कूल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, लेकिन मैंने अपना काम करना था। मैंने कहा सर सुनो तो 15 मिनट बाद मना करना,